इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी गलती क्या कि मुझे इन पहाड़ों से हो गया। बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से हमने रेनकोट पहने। किसी को आना हो तो उसको एड्रेस कैसे समझाएंगे? ये मंटोरा वाटरफॉल के नजदीक है सर। क्या बनाया जनाब? सर फ्राई किया है, देखें। अरे वाह भाई वाह। जैसी लाइफ हम कभी सोचा करते थे ना, आज उसे जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंथोका वाटरफॉल से वापस है, रास्ते में हमें ये, यार तुम्हारे होटल का नाम क्या है? ग्रीन लैंड होटल मिला जी। इनके पास कैंपिंग की सहूलत भी मौजूद होती है, साथ ही कमरे भी हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये बना हुआ है, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, कैंपिंग वालों को जगह मिल जाती है, और साथ ही वॉशरूम की भी सहूलत है, वाईफाई की भी है। तो इमरान भाई यहाँ पे लगे हुए कैंप लगा रहे हैं। 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है, और ये साइडों का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं। कैंप हम इसके ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा यहाँ नहीं लगाऊंगा, वो नीचे लगाएंगे, यहाँ मज़ा आएगा। अच्छा जी, आज बारिश हो गई है यहाँ पे, और साथ ही ना हो सकता है रात को तेज़ हवाएं भी चलें, क्योंकि एक मरतबा हमारा कैंप उड़ा है। तो वैसे तो हम सिर्फ बिस्तर वगैरह डाल के अंदर सो जाते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है डोरियाँ वगैरह और इसके क्लिप बांधने पड़ेंगे। ये ऐसे डाल के इसका मुँह घुमाया और ये खिंच गई, ठीक है जी। उसके बाद को थोड़ा सा ठोक देंगे जमीन में। इश्क ही तो है, चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी गलती क्या कि मुझे इन पहाड़ों से हो गया। ग्रीनलैंड होटल नाम से यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे हम लोगों ने आज कैंपिंग की है। मंथोका वाटरफॉल से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आप वापस आएंगे तो आपको मिलेगी, चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये कैंप लगाई है हमारे भाई ने। बारिश जैसा मौसम बन गया, चीज़ों को हम लोगों ने थैलियाँ बांध दी हैं लाइटों को वाटर प्रूफ करने के लिए, ताकि पानी इन पर न जाए। ये मोहम्मद है, रेनकोट भी पहन लिए, काम बड़ा ख़राब लग रहा है आज। अंदर बिस्तर मिस्तर डाल दिए हम लोगों ने, और इस तरफ बाहर रोड पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से हमने रेनकोट पहने हैं। लेकिन इमरान भाई क्या इरादा है, रात को बारिश होएगी? हमारे पक्का काम करके आए हैं, हमें कोई टेंशन है मोहम्मद। बारिश होनी चाहिए रात को कि नहीं? होएगी तो फिर भी वाटर प्रूफ है, सब कुछ कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, कैंपिंग का सिस्टम तैयार हो गया। आज हमें मजबूरन इसमें क्लिप भी लगाने पड़े, डोरियां भी बांधनी पड़ी हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले कुछ तेज़ हवा चली है तो कैंप उड़ रहे थे। इससे पहले अभी तक तो कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे इमरान भाई खड़े हैं, क्या बना रहे हैं सरकार? सर आज आपको टिक्का फ्राई खिलाएंगे। टिक्का फ्राई खिलाओगे, हो जाएगा ना इंशाल्लाह, अल्लाह करे। नहीं तो पत्थर खाओगे तो सही। अच्छा, ये भाई हैं यहाँ पे जो इंतज़ामिया का काम सारा संभाल रहे हैं। नाम क्या है दोस्त आपका? मोहम्मद हसन। अच्छा, ये जगह का अता पता बताओ, अगर किसी को आना हो तो उसको एड्रेस कैसे समझाएंगे? ये मंटोरा वाटरफॉल के नज़दीक है सर। ठीक है, 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे, सिकरदे से 65 किलोमीटर के ऊपर फासले पर जो मंटोरा वाटरफॉल है। ठीक है, उनके मेन रोड पे जो ना हम ये गेस्ट हाउस खोला हुआ मेहमानों के लिए। ठीक है, जो भी यहाँ आना चाहे। आप ही होते हैं यहाँ इंतजामिया में, और भी कोई होता है? अच्छा, सर्दियाँ गर्मियाँ पूरा 12 महीने होता है या बीच में छुट्टी भी होती है कुछ अर्सा? छुट्टी होती है, दिसंबर के बाद जो ना। कितने महीने बंद करते हो? बंद हो जाते जी, मार्च तक बंद होता है। कब से? दिसंबर से? नवंबर से मार्च तक बंद होता है जी, उसके बाद जो खुला होता है। नाम बताइएगा, क्या नाम है आपके होटल का? नहीं, होटल का ग्रीन लैंड होटल। अच्छा, इसके अलावा हमने तो कैंपिंग की है, लेकिन जो लोग आके आपके पास कमरे में रहते हैं तो अगर वो खाने पीने का ऑर्डर करते हैं तो आप खाना भी देते हो? उन्हें बनाते हैं यहाँ पे। गीजर के भी अच्छा खासा सहूलत है, वाईफाई के भी सहूलत है, लाइटिंग का कोई अलग कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। ये मोहम्मद खान साहब ने कैंप तैयार कर दिया भाई। अभी इमरान चाचू के इंतज़ार में, बस इमरान भाई खाना तैयार करो, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। थोड़ा सब्र कर लो, चिकन थोड़ा सब्र ही सब्र। मैं जाऊँ रोटियाँ ले आऊँ, तेल में पकाएंगे, और तेल के लिए एक बोतल का करूंगा बस। क्या तेल में पकाएगा? ये फ्राई। तो पानी की बोतलें पड़ी है ना, आप तेल खोल लो, उसके बाद जो बचेगा उसमें डाल लेना। पानी की एक बोतल खाली करो, पहले बेटा पानी पी। पानी मुझे भी पिला, बोतल लेके आओ। हाँ वो रख दो। अच्छा जी, रात हो गई है। ये हमारे होटल का रात का मंजर है। अभी मैंने अपनी लाइटें नहीं जलाई, ज़रूरत नहीं है इसकी, अपनी लाइट माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी है होटल की। तो
इमरान भाई ने नाश्ता कह रहा हूँ, रात का खाना तैयार कर दिया है। ये हमारे इमरान भाई, क्या बनाया जनाब? सर फ्राई किया है, देखें, दिखाओ भाई शिकल। अरे वाह भाई वाह, रोटी क्या है, रोटी भी बनवाई है सर? रोटी भी बन गई सर। क्या बात है सर, बैठे हैं इन हसीन वादियों में बैठ के फिर खाएं। खाना तैयार हो गया, बिस्मिल्लाह करें, इमरान भाई मैं आता हूँ। ये मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है, इमरान भाई ने खाना लगाया। इतनी खूबसूरत और हसीन वादी के अंदर बैठ के खाना अल्लाह का लाख लाख करम है, हमें नसीब हुआ है। तो बस खाना खाते हैं, उसके बाद फिर गपशप होगी। हसन भाई, बोतल और एक दो ग्लास मिल जाएंगे? ठंडी दे दूं जी? बोतल ठंडी दे दूं? यही जो नॉर्मल है, ये भी ठंडी से कम तो नहीं है। जैसी लाइफ हम कभी सोचा करते थे ना, आज उसे जी रहे। बेवकूफ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम जूस पीते हैं, जूस मैंगो जूस, इस ठंड में, गर्मी का आइटम है, सर्दी में मिला हुआ। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, हाय हाय हाय, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खासा खाना खाने के बाद फिर हमारा मूड बना कि इसको किस तरीके से हजम किया जाए, तो हमने बोन फायर का इंतजाम किया। अब आगे आपको वो दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बुलाक रखे हुए थे पहले से ही किसी ने, तो हमने उसमें कुछ लकड़ियाँ तोड़ के डाली हैं, साथ ही अभी कुछ कोयले डालेंगे, पेट्रोल डाल के फिर उसको आग लगाएंगे, बोन फायर वाली कहानी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आज। हमने इसमें डाल दिए, नीचे लकड़ी भी है, ये मैं जरा साइड पर रख लूं। इमरान भाई जबरदस्त लाग लगा, आ जाओ, बेहतरीन माहौल हो गया इधर। हाय 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 हाय, ओ इमरान भाई, चाय इधर ही बैठ के बना कुर्सी पे यार, मजा आएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, बोन फायर कहते ना, वो तो नहीं हुई, बस उससे मिलती जुलती कहानी हो गई। बीच में हमारे इधर होटल वाले भाई ने कुछ लकड़ियाँ डाली हैं, बाकी हमने कोयला डाला है, ओहो थोड़ा सा पेट्रोल डाला है, और ये माहौल बन गया। मोहम्मद वाशरूम जी, कैसा मजा आया फिर? ओए होए, मजा आया कि नहीं, गुजारा हो। हाय हाय, ये चीज मेरे अजीज, अरे इधर थोड़ा सा म्यूजिक ऑन है, ऐसा नाचेंगे, अरे इस पर नाचते बाद में म्यूजिक डालेंगे, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, तो कुर्सी हटा कुर्सी हटा, पीछे बाद में म्यूजिक डाल देंगे, बहुत मज़ेदार सीन होगा। पीछे कर पीछे कर पीछे कर, गाड़ी में तेल पीछे ना, क्या छोड़ छोड़ दे, ऐसी मोबाइल में लगा कुछ छोड़ दे, ऐसी चलो ये इधर दे। आज की किस्म में इतना ही, इंशाल्लाह अगली किस्म में आपको दिखाएंगे कि जब तक हम रात को सोए नहीं, उससे पहले पहले हमने और क्या मजीद शुगल मेला किया, और सुबह उठने के बाद फिर क्या हालात थे, और उसके बाद जो है वो हम अगले दिन कहाँ पे जाएंगे। अगली किस्म में आपसे मिलते हैं, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।